एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब ईएनटी और स्किन स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा शुरू। नगर पंचायत भोटा में लगभग 4 साल के बाद सीवरेज योजना का काम शुरू हो गया है। बता दें, सितंबर 2015 में बटसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भोटा नगर पंचायत के लिए 8.89 करोड़ सीवरेज योजना स्वीकृत करवाई थी और वीरभद्र सिंह ने फरवरी 2016 में विश्राम गृह के पास सीवरेज योजना का उद्घाटन किया था। भोटा नगर पंचायत के पूर्व प्रधान व पार्षद शरण प्रसाद का कहना है कि नगर पंचायत भोटा में सीवरेज का सपना अब पूरा होने जा रहा है। वहीं योजना के ठेकेदार पवन का कहना है कि सीवरेज योजना का काम पूरा करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। सीवरेज का काम जो है शुरू हो गया है, तो इसमें क्या भोटा वाले खुशी की लहर दौड़ पड़ी है इसमें। भाई साहब, ऐसा है कि नगर पंचायत भोटा का ये सीवरेज का कार्य है, ये नगर पंचायत भोटा के सभी क्षेत्रवासियों का सपना रहा है। आज ये सपना पूरा होने जा रहा है और ये पाइपों का पहला ट्रक जो भोटा पहुँच गया है, इससे स्वाभाविक तौर पर लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। लोगों ने बहुत समय से अपने सपने से जो रखे हैं कि सीवरेज का कार्य जल्दी शुरू हो, ताकि जो उन लोगों ने टैंक बना रखे हैं उनसे उन्हें निजात मिले और नगर पंचायत से उन्हें भरपूर सुविधा मिले। ये जो हमारा सीवरेज का कार्य है, वर्ष 2015 में 20 सितंबर 2015 को इस कार्य की इंडिया से हुई थी प्रदेश सरकार द्वारा, और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 16 फरवरी सन 2016 को इसका शिलान्यास भोटा रेस्ट हाउस के पास किया था। उसके उपरांत इसके केवल टेंडर लगाए गए, परंतु प्रशासनिक कार्यों से इसके टेंडर सिरे नहीं चढ़ पाए और मौजूदा सरकार के समय में इसका फिर टेंडर किया गया और अभी टेंडर जो है विभाग ने पूर्ण रूप से अवार्ड कर दिया है और ठेकेदार द्वारा जो है इसका कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसलिए मैं हमारे जो वर्तमान विधायक हैं लखनपाल आईडी लखनपाल जी, उनका भी धन्यवाद करूँगा। मैं प्रदेश के वर्तमान मुखिया मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करूँगा कि उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और भोटा के लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ की सौगात दी है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक और जल शक्ति विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करूंगा कि हमारी स्थानीय जनता, हमारे जितने भी शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, इस कार्य में अपना सहयोग देंगे और जल्द से जल्द जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो सभी लोग इसका विशेष लाभ लेंगे। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो सीवरेज है, ये इसकी जो पाइपें हैं, छोटी और बड़ी पाइपें मिला करके लगभग 10 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक पूरे भोटा बाजार में सभी वार्डों में लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक ये पाइपें डलेंगी। तो मैं सभी से, स्थानीय जनता से, बहन भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी इस कार्य में लेबर लगी है, जहाँ जहाँ भी खुदाई होनी है वहाँ पर लोग कर्मचारियों का सहयोग करें ताकि कार्य जो है शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके। एक बार फिर मैं समस्त भोटावासियों और प्रदेश सरकार, माननीय विधायक ओपी लखनपाल, इंद्रदत्त लखनपाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों के आशीर्वाद से आज ये कार्य जो है शुरू हुआ है, और भोटावासी, प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब मरीजों को ईएनटी स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा निजी क्षेत्र में पैथोलॉजी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा, उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हाईटेक ओटी, स्पेशल वार्ड, एसी रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल। इससे पहले एनआर अस्पताल में सर्जरी एवं न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, हियरिंग एड व टेस्ट के अलावा फिजियोथेरेपी सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें